हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उमेश शर्मा फ्रॉम कैट कैप सॉल्यूशन। और आज हम ये बनाने वाले हैं शीट मेटल में, तो जाएंगे और शीट मेटल को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से स्केच लेते हैं और शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और यहाँ से शुरू करते हैं रेक्टेंगल से, सेंटर रेक्टेंगल लेता हूँ क्लिक। और ये लेंथ है कुछ 80 की और हाइट जो है इसकी 45। ये हमारा एक बन गया है, इसे फिनिश करते हैं। और थिकनेस 5 इंच की ही है क्योंकि चूंकि हम ऑलरेडी पहले डिफाइन कर चुके हैं। क्लिप नीचे की तरफ देते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से लेते हैं फ्लैंज और क्लिक किया, नीचे से ही स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। और ऊपर तक जाना है ये 35 लिया, अप्लाई। और इस वाले के लिए और इधर के लिए, तो पहले मैं इसे क्लिक करता हूँ और ये हमारी आएगी 35, जो कि ठीक है, 35 ही है, 35 मैंने रखा है। आउटसाइड से है अप्लाई, इसके बाद इसे थोड़ा सा घुमाते हैं और यहाँ से लेते हैं और इसे फ्लिप करेंगे ऊपर की तरफ। और ये वाला जो गैप है ये है कुछ 8 16 हो जाएगा, 16 पे हम इस टाइप से आ गए। और ऐसा कर देते हैं ओके। अब हमें एक यहाँ पे बनाना है और एक ऊपर पे बनाना है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ ऊपर से ही। और यहाँ से देंगे एक रेक्टेंगल और यहाँ पे बनाते हैं। इसकी टाइम लेंथ है हमारी ये 42 प्लेस पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, तो ये 40 आएगा। और 40 के बाद जो ये डेप्थ है ये 25 है, तो डबल क्लिक और 25। और ये जो पॉइंट है इस वर्टिकल के साथ अलाइन होनी चाहिए। और मैं इससे बड़ा करता हूँ और कर देते हैं इसे कट और ओके, बस सेव कर देते हैं। ये स्टेप्स में आ गया, उसे हाइड कर दीजिए आप। फिर इधर वाले पे भी मुझे चाहिए और ये कुछ अलग ही चाहिए क्योंकि ये इसे भी कट करता हुआ जा रहा है नीचे तक। तो आगे से ले लेते हैं अब 12 तक, तो स्केच लेंगे इस पे क्लिक। और यहाँ से फिर रेक्टेंगल क्लिक नीचे तक, ये गैप है हमारा 40। और ये पॉइंट इसके साथ अलाइन हो जाएगा, फिनिश करेंगे और इसे कर देते हैं कट। और कट इसे हमें करना है यहाँ से, ये 12 दिया हुआ है, ये 12 कट करना है, 12 और कर देते हैं ओके। इसको ऐड कर दीजिए, ये पोर्शन का एक ये बचा हुआ है, इसके लिए मैं इस वाले पेज पे जाता हूँ। और यहाँ पे ये कुछ शेप है रेक्टेंगुलर सी, तो एक रेक्टेंगल लेते हैं सेंटर के अबाउट और क्लिक। और इसकी डायमेंशन है 50 और इसकी विड्थ 12 और इसको हम इसके साथ अलाइन करते हैं और नीचे से है 10। तो ये जो गैप है बिल्कुल बॉटम से, तो यहाँ से लेते हैं पिक ये लाइन इस नीचे वाले पॉइंट से
टेन और क्लोज और कहते हैं इसे एग्जिट और यहाँ से कट ओके इसके थ्रू ये हो गया है ये हमारा हो गया है और कुछ ये रेडियस बची हुई है आर और नॉट ऑफ थ्री तो मैं यहाँ से लेता हूँ थ्री का बाहर का नहीं था इन सारे इसमें ले लिया है और तो से नहीं दिया मैं तो हटा देता हूँ ये नहीं दिया मैं तो पूरा हटा देता हूँ सिर्फ ये चाहिए और टर्न कर देते हैं ये चाहिए और अप्लाई ये पूरा हमारा राउंड हो गया है सिर्फ होल का बचा हुआ है होल बना लेते हैं और होल के लिए मैं जाता हूँ होल में होल स्पेस पे क्लिक करते हैं और इसके डायमेंशन लेते हैं 12 16 में मिल जाता उसमें फर्क आ रहा है उसको मैं भी गड़बड़ रहेगा तो जाकर ठीक करूँगा होने के लिए लाइन ऑपरेशन 8 और ओके ये कुछ ऐसा है जो कि प्लेट में जाना है तो हमने जो रहता 8 प्लस 8 16 करा था 16 प्लस 5 और ऐड करना पड़ेगा हमें यहाँ पे जाते हैं और ये थी हमारी लंच और ओके ये हमारा ठीक आ गया अब इसे हम मिरर कर देते हैं इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से नॉर्मल मिल जाएंगे मिरर फीचर अब आउट ऑफ फ्रेम और ओके तो एक बार मैच कर लेते हैं ये पूरा इस तरीके से ही बना हुआ है सो फ्रेंड शीट मेटल में स्टेप्स से बना सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक यू एंड कीप वॉचिंग